किस फाइलम से बिलोंग करता है अर्थवर्म? एनिलिडा से बिलोंग करता है। क्या करेक्टर है एनिलिडा के? और अच्छा, एन्यूराई क्या होते हैं? ठीक है, जैसे आपको ये फोटोग्राफ दिख रहा है, इस फोटोग्राफ को आप जब ध्यान से देखोगे तो हमें बॉडी के अंदर बहुत सारे सेगमेंट्स दिखेंगे। बहुत सारे क्या विजिबल होंगे? सेगमेंट्स विजिबल होंगे, और दो सेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए बीच में एक ग्रूव, एक कंस्ट्रिक्शन सी प्रेजेंट होगी, जिससे हमें पता चलेगा कि एक सेगमेंट एंड हो चुका है और दूसरा सेगमेंट शुरू हो चुका है। इस टाइप की सेगमेंटेशन को बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन, या ट्रू टाइप ऑफ सेगमेंटेशन भी बोल सकते हैं। मेटामेरिक सेगमेंटेशन के साथ क्या बोल देंगे इसको? ट्रू टाइप ऑफ सेगमेंटेशन। यहीं से जो इसका मेन करेक्टर है एनिलिडा का, वो यही है, दैट इज ट्रू मेटामेरिज्म और मेटामेरिक सेगमेंटेशन। पहले जनरल करेक्टर देखते हैं। क्लासिफिकेशन सबको पता है, फाइलम एनिलिडा। क्लास की बात करें तो ओलिगोचेट क्लास से बिलोंग करते हैं। ऑर्डर टेरिकोले, जीनस फेरेटिमा और स्पीशीज पोस्ट्यूमा। आपको इसका साइंटिफिक नाम अच्छे से याद होना चाहिए। क्या बोलेंगे इसका साइंटिफिक नाम? फेरेटिमा पोस्ट्यूमा, याद है ना? फेरेटिमा में क्या करते हैं? पी कैपिटल, और पोस्ट्यूमा में क्या लिखा जाएगा? पी स्मॉल। तो क्या हो जाएगा साइंटिफिक नाम? फेरेटिमा पोस्ट्यूमा। जब भी आप साइंटिफिक नेम लिखोगे, आपको याद होगा क्या करना होगा? जीनस और स्पीशीज, जेनरिक और स्पेसिफिक नेम को प्रॉपरली क्या करना होगा? अंडरलाइन करना होगा। कहाँ मिलता है अर्थवर्म, कोई बताएगा? कलर कैसा है, कहाँ मिलता है? डार्क ब्राउन सा कलर होता है। क्यों डार्क ब्राउन कलर होता है? डार्क ब्राउन कलर क्यों होता है? नहीं, इनकी बॉडी वॉल में एक पोरफायरिन नाम का पिगमेंट है। अभी जो मैं डार्क करने जा रहा हूँ, आपको डार्क दिखना शुरू हो जाएगा, जिसको मैंने अंडरलाइन किया था। दिख रहा है ये डार्क किया हुआ पार्ट? इनकी बॉडी वॉल में क्या होता है? एक पोरफायरिन नाम का पिगमेंट होता है। वो पिगमेंट डार्क कलर का है, दैट्स व्हाई बॉडी कलर भी क्या होगा इनका? डार्क कलर होगा। क्या फंक्शन है उस पिगमेंट का? ये सनलाइट से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। रेडिएशन को इंटरनल ऑर्गन्स तक नहीं जाने देता, इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज नहीं होने देगा। सनलाइट से क्या करेगा? प्रोटेक्ट करके रखेगा। सोयल में मिलते हैं, बरो बनाकर मिलते हैं। बरो का जो आप कह सकते हो जो डीप है, कितनी डीप हो सकती है? फ्यू सेंटीमीटर टू 40 सेंटीमीटर तक ये डीप बरो हो सकती है। अपर लेयर ऑफ सोयल में रहते हैं। डे टाइम में ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, नाइट टाइम में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। डे टाइम में तो बरों में छुपे रहेंगे, नाइट टाइम में ज़्यादा एक्टिव होंगे, बरों से बाहर आते हैं। गार्डन्स में, लॉन्स में, फील्ड में ये कॉमनली मिलते हैं। इंडिया में जो मोस्ट कॉमन स्पीसीज हैं, एक तो फेरेटिमा है ही है, एक लम्ब्रिकस। ये दो मोस्ट कॉमनली अर्थवर्म जो इंडिया में रिपोर्टेड है। हैबिट्स की बात करें तो हैबिट्स में अभी हमने देखा ये सॉइल के अंदर बरो बना के रहेगा, अप टू 40 सेंटीमीटर डीप इसकी बरो हो सकती है। कोल्ड ब्लडेड है। क्या मतलब है कोल्ड ब्लडेड का? कोई स्टूडेंट? ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते। और क्या नाम देते हैं कोल्ड ब्लडेड को? हर्मेफ्रोडाइट तो नहीं बोलते भाई, वो तो रिप्रोडक्शन रिलेटेड है। हाँ, पोइकिलोथर्म्स। कोल्ड ब्लडेड आर आल्सो नोन एज पोइकिलोथर्म्स। ये बहुत ज्यादा वार्म टेम्परेचर और बहुत ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर है, उसको टॉलरेट नहीं कर सकते। नॉक्टर्नल है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, रात को ज्यादा एक्टिव होते हैं। डे टाइम में ये अपनी बरों में ही रहेंगे। क्या फीड करते हैं ये? डेड ऑर्गेनिक मैटर, लीफ डेब्रिस, एनिमल डेब्रिस, जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर सोइल के अंदर पड़ा है वो सब फीड कर जाते हैं। दैट्स व्हाई क्या बोलेंगे हम इनको? ओमनीवोर्स। क्या बोल देंगे? ओमनीवोर्स। वो एनिमल रेजिडू हो सकते हैं, वो प्लांट रेजिडू हो सकते हैं, फ्रूट रेजिडू हो सकते हैं, कोई भी रेजिडू अगर वो ऑर्गेनिक है, डेड मैटर है, तो
सॉइल में पड़ा है तो फीड कर जाते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें, ये हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। क्या मतलब है हर्मेफ्रोडाइट का, कोई स्टूडेंट बताएगा? बाइसेक्सुअल मीन्स इनके पास मेल और फीमेल दोनों टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। ये जनरली रेनी सीजन में ब्रीडिंग बिहेवियर शो करते हैं। क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं है। अब ये बात देखो, हर्मेफ्रोडाइट है, बाइसेक्सुअल है, बट सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोटेंड्रस कंडीशन है। क्या मतलब है प्रोटेंड्रस कंडीशन का? गैमेट्स पहले मैच्योर हो जाते हैं, फीमेल गैमेट्स अभी इमैच्योर है, मेल गैमेट पहले मैच्योर हो गए, तो प्रोटेंड्रस कंडीशन की वजह से सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती। लार्वा नहीं है इनके अंदर, तो डेवलपमेंट क्या हो जाएगी? डायरेक्ट। और डेवलपमेंट किसके अंदर होती है? एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर जिसको नाम देते हैं हम कोकून। डेवलपमेंट किसके अंदर होती है? कोकून के अंदर होगी। इनकी एक और खास बात है, इनके अंदर रीजनरेशन की पावर बहुत ज्यादा होती है। ये अपने लॉस्ट बॉडी सेगमेंट को रीजनरेट कर सकते हैं। रीजनरेशन समझते हो ना? हमारे अंदर क्या है? रिपेरेटिव पावर है, रीजनरेशन पावर नहीं है। हम डैमेज बॉडी पार्ट्स या बाउंड को रिपेयर कर सकते हैं, बट दीज आर थोम दे कैन रीजनरेट देयर लॉस्ट बॉडी सेगमेंट और लॉस्ट बॉडी पार्ट। तो देयर इज हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स देखें तो सभी ने इनकी बॉडी देखी हुई है, अर्थवर्म लगभग सभी ने देखा होगा। कैसी बॉडी है? इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल बॉडी, एंटीरियर एंड इसका पॉइंटेड होता है और पोस्टीरियर एंड समवट ब्लंट टाइप का होता है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो, ये जो डार्क एरिया है, दिस वन दिख रहा है जहाँ पे ये कर्सर मूव कर रहा है, इसका इंटीरियर एंड है। और ये जो अपोजिट एंड है, ये इसका पोस्टीरियर एंड है। कौन सा एंड पॉइंटेड है और कौन सा कम पॉइंटेड या ब्लंट टाइप का है? एंटीरियर एंड नैरो है, पॉइंटेड है, और पोस्टीरियर एंड उसके कंपैरेटिव थोड़ा सा क्या होता है, वाइड आप कह सकते हो। सिलेंड्रिकल बॉडी है। कलर आपको पहले बता दिया, बॉडी का ब्राउन कलर है, क्योंकि बॉडी में क्या होता है, एक पोरफायरिन नाम का पिगमेंट होता है जो डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोजर से प्रोटेक्ट करता है। डोर्सल बॉडी साइड पे एक और डार्क कलर की लाइन दिखेगी। आप ये डायग्राम देखो वापिस, इस डायग्राम में देखो, बिल्कुल मिड डोर्सल साइड पे का आपको डार्क कलर की लाइन दिख रही है। थ्रू आउट बॉडी लेंथ विजिबल है, डार्क लाइन थ्रू आउट बॉडी लेंथ। क्या है ये डार्क लाइन, कोई बताएगा? ये डार्क लाइन क्या है जो बिल्कुल डोर्सल साइड पे विजिबल हो रही है, मिड डोर्सल साइड? नहीं, दिस इज डोर्सल ब्लड वेसल। ये इसकी बॉडी की लार्जेस्ट ब्लड वेसल है, डोर्सल ब्लड वेसल, दो जो एंटीरियर एंड से लेके पोस्टीरियर एंड तक एक्सटेंड करती है। डोर्सल सरफेस पे प्रेजेंट है, डायरेक्ट बाहर से विजिबल है एक लाइन की फॉर्म में, तो नाम क्या देंगे इसको? डोर्सल ब्लड वेसल। थ्रू आउट है ये बॉडी के, थ्रू आउट लेंथ प्रेजेंट है एंटीरियर टू पोस्टीरियर एंड। कोई डाउट? इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको और क्लियर दिखेगी, बॉडी की बिल्कुल मिड डोर्सल साइड पे आपको थ्रू आउट एक लाइन दिख रही है, ये कर्सर जहां जहां मूव कर रहा है आप देखो, दिख रही है ना? दिस इज क्या बोलोगे, ये डोर्सल ब्लड वेसल। ठीक है। वेंट्रल सरफेस की बात करें तो वेंट्रल सरफेस पे जनरली इनके पोर्स प्रेजेंट होते हैं। वो पोर वेरियस टाइप्स के होंगे जो हम आगे डिस्कस करेंगे। कुछ इनके जेनिटल पोर्स हैं, कुछ इनके पास जेनिटल पेपिले प्रेजेंट हैं, कुछ स्पर्मेटिकल पोर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है। कुछ मेल जेनिटल पोर्स हैं, फीमेल जेनिटल पोर्स हैं। जो मैक्सिमम पोर हैं वो बॉडी की वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है। क्या फंक्शन होगा पोर्स का? ये कुछ कुछ हाँ, बॉडी से एक्सक्रीट करने में, रिलीज करने में, हो सकता है वो वेस्ट हो सकता है वो गैमीट्स हो, मेल गैमीट फीमेल गैमीट, हो सकता है वो म्यूकस रिलीज करने के लिए हो, तो डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट पोर्स प्रेजेंट होंगे। अब डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की बात करते हैं, तो बॉडी के बिल्कुल एंटीरियर एंड पे जाएं तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा वहां पे? माउथ। बिल्कुल एंटीरियर एंड पे क्या होगा?
माउथ कौन से सेगमेंट में होगा? फर्स्ट सेगमेंट में। और फर्स्ट सेगमेंट को क्या नाम देंगे? फर्स्ट सेगमेंट इज नोन एज पेरिस्टोमियम। ये एक नंबर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वो इनडायरेक्टली कहेगा व्हाट इज पेरिस्टोमियम, तो क्या बोलोगे? द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट इज नोन एज पेरिस्टोमियम। इसी बॉडी सेगमेंट में क्या प्रेजेंट है? माउथ प्रेजेंट है। और ये सेगमेंट कौन सी साइड पे होगा अर्थवर्म की? बिल्कुल एंटीरियर साइड पे, फर्स्ट सेगमेंट पेरिस्टोमियम। अब इस डायग्राम में देखो, जहां पे ये एरो आप मूव कर रहा है वहां पे देखो, फर्स्ट सेगमेंट से एक फॉरवर्ड प्रोजेक्शन प्रेजेंट है। दिख रही है फॉरवर्ड प्रोजेक्शन? दिस इज इन द फॉर्म ऑफ हुड। दिस प्रोजेक्शन इज नोन एज प्रोस्टोमियम। फर्स्ट सेगमेंट की एक प्रोजेक्शन जो माउथ को डोर्सल साइड से कवर कर रही है, उसको नाम देते हैं प्रोस्टोमियम। फर्स्ट सेगमेंट को क्या नाम दिया था? पेरिस्टोमियम। तो उसकी प्रोजेक्शन को क्या नाम देंगे? प्रोस्टोमियम। प्रो मतलब क्या होता है? प्रो पहले, फर्स्ट सेगमेंट से पहले, फर्स्ट सेगमेंट की प्रोजेक्शन, दैट्स व्हाई नाम क्या दे देंगे? प्रोस्टोमियम। विजिबल है सबको ये प्रोजेक्शन से? दिख रही है जो माउथ को डोर्सल साइड से क्या कर रही है? कवर कर रही है। इसी प्रोजेक्शन को क्या नाम दे देंगे हम? प्रोस्टोमियम नाम दे देंगे। ठीक है, माउथ का क्या पर्पज होगा? किस पर्पज के लिए माउथ? इंजेशन। किसके लिए होगा? इंजेशन के लिए, फूड इनटेक करने के लिए। तो इस प्रोस्टोमियम का क्या काम होगा? प्रोस्टोमियम के दो फंक्शन है, एक तो बरो बनाने में यूज होगा, डिगिंग में यूज होगा क्योंकि शार्प है, और दूसरा ये सेंसरी नेचर होता है। सोयल के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है वो फीडिंग के लिए ठीक है या नहीं है, वो इसको कौन बताएगा? वो भी यही प्रोस्टोमियम बताता है। तो सेंसरी एज वेल एज बरो फॉर्मेशन में यूज होता है, दो इसके फंक्शन बता दो। अब सेकंड है सेगमेंटेशन। हमने देखा बॉडी के अंदर थ्रू आउट सेगमेंट्स प्रेजेंट है, इन सेगमेंट्स को क्या नाम देते हैं? सिंपल सेगमेंट भी बोल सकते हो, मेटामर्स भी बोल सकते हो, सोमाइट्स भी बोल सकते हो। कितना नंबर हो सकता है इनका? 100 to 120। जो अडल्ट अर्थवर्म है उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ जो सोमाइट्स है 120 तक रिपोर्टेड है। तो 100 to 120 सेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे विच आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर विद द हेल्प ऑफ एन्यूलाई, जो भी मैंने बताया था आपको। दो सेगमेंट्स के बीच जो आपको एक रिंग सी दिख रही है, जो दो सेगमेंट को एक दूसरे से सेपरेट कर रही है, उसको क्या नाम देते हैं हम? एन्यूलाई। सेगमेंटेशन एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल, ये इनका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये जैसे सेगमेंट हमें बाहर से दिख रहे हैं वैसे ही सेगमेंट अंदर भी बॉडी के प्रेजेंट है। तो सेगमेंटेशन इज एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल, इसको क्या नाम देंगे हम? ट्रू टाइप ऑफ सेगमेंटेशन या मेटामेरिक सेगमेंटेशन। एक नंबर में बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मेटामेरिक सेगमेंटेशन, तो बता दोगे ना? द एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल सेगमेंटेशन इज नोन एज मेटामेरिक सेगमेंटेशन, या आप ऐसे भी कह सकते हो, द बॉडी ऑफ अर्थवर्म इज थ्रू आउट डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ सेगमेंट्स, दैट इज नोन एज मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ईच सेगमेंट, क्या नाम दिया था सेगमेंट को हमने? मेटामर्स भी बोल सकते हैं, और क्या नाम दिया था हमने इसको? सोमाइट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों ही नाम दे देते हैं। अब बात करते हैं हम क्लाइटेलम की। क्लाइटेलम आप लोगों को शायद बताया होगा सर ने, क्या होता है क्लाइटेलम? कोई स्टूडेंट बताएगा? हम डायग्राम में वापस जाते हैं एक बार। इस डायग्राम में देखो, आपको एक थिक एरिया दिखेगा बॉडी के एंटीरियर पार्ट की तरफ, एंटीरियर एंड की तरफ। ये थिक एरिया दिख रहा है? दिस थिक एरिया इज नोन एज क्लाइटेलम। इस थिक एरिया को क्या नाम देंगे हम? क्लाइटेलम नाम देंगे। एक्चुअली क्या है, कुछ एक सेगमेंट्स आपस में फ्यूज कर गए हैं। कौन कौन से सेगमेंट? सेगमेंट नंबर 14, 15 एंड 16। तीन सेगमेंट आपस में फ्यूज कर गए हैं और उनके फ्यूजन से एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया है। उस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? क्लाइटेलम। ठीक है, सेगमेंट नंबर 14, 15 एंड 16, दे फ्यूज टू फॉर्म अ डार्क बैंड, डार्क रिंग लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज
क्लाइटेलम क्या फंक्शन करेगा? ये म्यूकस रिलीज करेगा, ये एल्ब्यूमिन रिलीज करेगा, कोकून फॉर्मेशन में हेल्प करेगा ताकि आगे कोकून बन सके और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट हो सके। तो ये इसका मेन फंक्शन है। सेगमेंट नंबर 14, 15 एंड 16 दे फ्यूज टू फॉर्म अ डार्क बैंड ऑफ ग्लैंडुलर इन नेचर। दिस डार्क बैंड इज नोन एज क्लाइटेलम। अब इस क्लाइटेलम के बेस पे हम क्या करेंगे, बॉडी पार्ट्स को थ्री सब सब पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, पूरी बॉडी को थ्री सब पार्ट्स में। कैसे? जो एरिया क्लाइटेलम से पहले है उसको क्या नाम दे देंगे, प्री क्लाइटेलर। अब यहाँ पे देखो, ये 14, 15, 16 सेगमेंट से तो क्या बन गया, क्लाइटेलम। ये इतना पार्ट इससे पहले क्या बोल देंगे, प्री क्लाइटेलर रीजन, और जो बाद वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, पोस्ट क्लाइटेलर रीजन। समझ आ रही है बात मेरी? क्लाइटेलम की वजह से बॉडी को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, थ्री पार्ट्स में। प्री क्लाइटेलर रीजन में कितने सेगमेंट होंगे, कौन बताएगा? उमा बच्चे बताओ, प्री क्लाइटेलर में कितने होंगे? हाँ, क्योंकि क्लाइटेलम में कितने थे, 14, 15, 16 तो क्लाइटेलम में हो गए, 1 through 13 किस में हो गए, प्री क्लाइटेलर। और पोस्ट क्लाइटेलम में कितने होंगे, कौन बताएगा सृष्टि? पोस्ट क्लाइटेलम में 16 to 17, हाँ 17 to आगे 100 या 120 जितने भी सेगमेंट्स हैं वो सारे कहाँ प्रेजेंट होंगे, किस में काउंट करेंगे हम उनको, पोस्ट क्लाइटेलर रीजन में हम उसको क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो तीन सेगमेंट्स में हमने बॉडी को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अदर मोर्फोलॉजिकल करेक्टर देखें तो बॉडी पे कुछ आप कह सकते हो एक टाइप के नीडल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं जिनको नाम देते हैं हम सिटे। ये आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा जो एक्चुअली में ओरिजिनल डायग्राम है। बॉडी के ऊपर आपको वेंट्रल साइड पे देखो छोटे छोटे कांटे से दिख रहे हैं, नीडल सी बॉडी से बाहर की तरफ प्रोजेक्ट की हुई, दीज आर नोन एज सिटे। ये एक्चुअली में क्या होते हैं, 100 to 120 सिटे इन ईच सेगमेंट। हर सेगमेंट के अंदर 100 से लेके 120 माइन्यूट येलो कलर के एस शेप्ड, कैसी शेप होगी इनकी समझ, एस शेप्ड सिटे प्रेजेंट होंगे, रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये अगर हम एक सिटे को देखें तो एक सिटे बॉडी वॉल के अंदर एम्बेडेड है एक पाउच के अंदर। इस सेकेंड डायग्राम में देखो एक छोटा सा पाउच दिख रहा है आपको यहाँ पे, इस पाउच को बोल देंगे सिटल सैक या सेटिजरस सैक या सिटल सैक। एक्चुअली में जो ये सिटे है वो इसी सैक के अंदर एम्बेडेड होता है, इसी सैक के अंदर, और सैक का है बॉडी वॉल में एम्बेडेड है। इसका काम क्या है सैक का, एक तो सिटे को सपोर्ट करता है, और अगर बाई चांस सिटे डैमेज हो जाए, शेड ऑफ हो जाए, तो उसकी जगह न्यू सिटे फॉर्मेशन का काम भी किसका है, इसी पाउच का है, जिसको हमने क्या नाम दिया, सिटल सैक, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, बॉडी वॉल के अंदर एम्बेडेड है, बॉडी वॉल के अंदर प्रेजेंट है। एक सिटे के तीन बेसिक पार्ट होते हैं, वो तीनों पार्ट आपको इस डायग्राम में दिखेंगे जो ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम है। इसमें जो सेंट्रल पार्ट है इसको तो बोलते हैं नोड्यूल, जो थोड़ा सा स्वोलन पार्ट है। इसका जो पार्ट बॉडी वॉल के अंदर एम्बेडेड है इसको बोलते हैं बेस, और जो बाहर की तरफ विजिबल पार्ट होगा उसको बोलते हैं नेक। तो तीन पार्ट्स में हम सिटे को डिवाइड करते हैं, कौन कौन से, जो बाहर से विजिबल पार्ट है उसको तो बोल देंगे नेक, मिडल ब्रॉड पास को पार्ट को क्या बोल देंगे, नोड्यूल्स, और जो बॉडी वॉल के अंदर एम्बेडेड है उसको क्या नाम दे देंगे, बेस। तो तीन पार्ट्स में ये एम्बेडेड है। सिटे की एक और प्रॉपर्टी है, दे कैन बी एक्सटेंडेड और रिट्रैक्टेड। ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, जरूरत पड़े तो इनको बॉडी के अंदर रिट्रैक्ट किया जा सकता है, और जरूरत पड़े तो उनको बॉडी से बाहर एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो बॉडी का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये, मूवमेंट लोकोमोशन में रोल प्ले करेंगे। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम बॉडी में अपर्चर। अर्थवर्म की बॉडी में बहुत सारे अपर्चर्स प्रेजेंट हैं, वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स में, अलग अलग सेगमेंट्स में, और अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं। वन बाय वन इन अपर्चर्स को देखते हैं। सबसे फर्स्ट जो अपर्चर है माउथ, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। माउथ कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट है, फर्स्ट सेगमेंट में, जिसको हमने नाम क्या दिया, पेरिस्टोमियम।
फर्स्ट सेगमेंट को क्या नाम दिया? पेरिस्टोमियम। और याद करो मैंने बताया था इस पेरिस्टोमियम की एक प्रोजेक्शन फॉरवर्ड एक्सटेंड कर गई है, इस येलो कलर डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। पेरिस्टोमियम की एक प्रोजेक्शन फॉरवर्ड एक्सटेंड कर गई है, अब इसको क्या नाम देंगे? प्रोस्टोमियम। तो मतलब पहले, स्टोमियम मतलब माउथ, जो माउथ से पहले एक्सटेंड कर गया फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो प्रोस्टोमियम। पर्पज भी हमने देखा, माउथ का क्या पर्पज था? इंजेशन। किसका? फूड का। कहाँ से लेगा? सोइल के अंदर, ठीक है, डेड डिग्रेडिंग डिकम्पोजिंग मटेरियल पड़ा है उसको फीड करेगा। सेकेंड जो बॉडी के अंदर अपर्चर है वो है एनस, ये भी हमें पता है, बॉडी के बिल्कुल लास्ट सेगमेंट में प्रेजेंट होगा। और इसका मेन पर्पस क्या होगा? इजेशन। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है जो इसने फीड किया और डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो एनल्स पोर के थ्रू बॉडी से बाहर इजेस्ट कर दिया जाएगा। थर्ड टाइप्स ऑफ जो पोर्स है वो है फीमेल जेनिटल अपर्चर या पोर। ये सिंगल पोर होता है जो 14 सेगमेंट की मिड वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है, इस डायग्राम में आप देख सकते हो। कौन सी पोजीशन बताई मैंने फीमेल जेनिटल पोर की? 14 सेगमेंट की मिड वेंट्रल। याद करो 14 सेगमेंट कहाँ था? प्री क्लाइटेलर रीजन में, क्लाइटेलर रीजन में या पोस्ट क्लाइटेलर रीजन में? क्लाइटेलर रीजन में 14 सेगमेंट था और उसकी मिड वेंट्रल साइड पे एक सिंगल पोर प्रेजेंट होता है जिसको नाम क्या देते हैं हम? फीमेल जेनिटल अपर्चर। अब नाम से पता चल रहा है क्या फंक्शन करता होगा ये? फीमेल जेनिटल पोर है, क्या काम करेगा? यहाँ से फीमेल गैमेट्स डिस्चार्ज होंगे, ठीक है, फीमेल गैमेट्स को रिलीज किया जाएगा, एग या ओवम को यहाँ से रिलीज किया जाएगा। कोई डाउट? नहीं। अब नेक्स्ट जो अपर्चर है वो है मेल जेनिटल अपर्चर। यहाँ पे भी आप देख सकते हो इस डायग्राम में 14 सेगमेंट की मिड वेंट्रल साइड पे आपको एक सिंगल पोर दिखेगा इस डायग्राम में, जहां पे एरो है। 14 सेगमेंट की मिड वेंट्रल साइड पे आपको सिंगल पोर दिखेगा, दिस इज नोन एज फीमेल जेनिटल पोर। अब बात करते हैं मेल जेनिटल पोर की। इसी डायग्राम में आप देखो सेगमेंट नंबर 18, कौन सा सेगमेंट मैं बता रहा हूं? सेगमेंट नंबर 18 की वेंट्रोलेटरल साइड पे देखो, आपको फिर से वन पेयर ऑफ पोर दिखेंगे, ये वाले सेगमेंट नंबर 18 की वेंट्रोलेटरल साइड पे फिर से वन पेयर ऑफ पोर, जिनको नाम क्या देंगे? मेल जेनिटल पोर या मेल जेनिटल अपर्चर। इस डायग्राम में भी दिख रहे होंगे, ठीक है, सॉरी 18 नंबर उसमें थे, 18 नंबर सेगमेंट की वेंट्रोलेटरल साइड पे मेल जेनिटल अपर्चर वन पेयर। दोनों में क्या डिफरेंस है मेल और फीमेल जेनिटल अपर्चर में? पहला तो नंबर का डिफरेंस है, फीमेल जेनिटल अपर्चर वन थी, मेल जेनिटल अपर्चर वन पेयर है, मतलब दो है। दूसरा पोजीशन का डिफरेंस है, फीमेल जेनिटल अपर्चर कहाँ थी? 14 सेगमेंट की मिड वेंट्रल साइड पे। वहीं मेल जेनिटल अपर्चर कहाँ पे प्रेजेंट है? 18 सेगमेंट की, 18 नंबर सेगमेंट की वेंट्रोलेटरल साइड पे वो प्रेजेंट है। कोई डाउट यहाँ तक? क्या काम करते होंगे मेल जेनिटल अपर्चर? फीमेल जेनिटल अपर्चर क्या करते थे? फीमेल गैमेट्स को रिलीज करते थे, तो मेल जेनिटल अपर्चर क्या करेंगे? मेल गैमेट्स को रिलीज करेंगे, ठीक है, समझ आ रही है ना बात? कोई स्टूडेंट जिसको डाउट हो? नहीं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है नेफ्रिडियो पोर्स, ये नाम से पता चल रहा है। नेफ्रिडियो पोर मतलब जहां नेफ्रिडिया ओपन करें। क्या काम करते होंगे नेफ्रिडिया? सबने सुना है नेफ्रिडिया, प्रोटो नेफ्रिडिया क्या करते हैं? एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिमूव करते हैं, बॉडी के अंदर जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट या एक्सक्रीटरी वेस्ट बनेगा उसको बॉडी से रिमूव करने के लिए नेफ्रिडियो पोर्स होते हैं। ये पोर फर्स्ट सेगमेंट में नहीं होते, बाकी सब में होते हैं एक्सेप्ट फर्स्ट सेगमेंट। ये हर सेगमेंट के अंदर इनका नंबर 200 से 250 तक हो सकता है, 200 to 250 पोर्स स्कैटर्ड ऑन द बॉडी सरफेस एक्सेप्ट ऑन फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट सेगमेंट। बात समझ आ रही है बच्चे? तो
तो क्या कोई एग्जैक्ट नंबर ऑफ हम नेफ्रिडियो पोर बता सकते हैं? 200 या 250 को 1 लेस देन टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, उससे हमें क्या मिल जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ नेफ्रिडियो पोर्स मिल जाएंगे। एक सेगमेंट के अंदर 200 से 250 नंबर है इनका, ये बात याद रखना। एक सेगमेंट के अंदर 200 से 250 माइन्यूट पोर्स, एक्सेप्ट फर्स्ट सेगमेंट में नहीं होते। पर्पज इनका मैंने आपको बता दिया है, जो भी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट बनेगा उसको रिलीज करने के लिए ये जो पोर्स हैं प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब इनका जो वेस्ट है वो कहाँ से रिलीज होता होगा? डायरेक्ट बॉडी सरफेस से। जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट बनेगा बॉडी में वो कहाँ से रिलीज होगा? डायरेक्ट बॉडी सरफेस से। किसकी हेल्प से? नेफ्रिडियो पोर्स की हेल्प से, विच आर प्रेजेंट इन ईच सेगमेंट एक्सेप्ट फर्स्ट सेगमेंट एंड देयर नंबर इज 200 टू 250 पोर्स इन ईच सेगमेंट। कोई डाउट यहां तक? नहीं। बात करते हैं डोर्सल पोर की। ये पोजीशन ही बता रही है, नाम ही बता रहा है। डोर्सल पोर बॉडी की कौन सी साइड पे होंगे? डोर्सल पोर बॉडी की कौन सी साइड पे होंगे? डोर्सल साइड पे होंगे। अगर ये डायग्राम आपको क्लियरली विजिबल है, जो कलर डायग्राम है ब्राउन से कलर का, इसमें सर्कल दिख रहे होंगे आपको। कितने सर्कल हैं? फोर। ये सर्कल की पोजीशन क्या है? सेगमेंटल है या इंटर सेगमेंटल है? इंटर सेगमेंटल। और मिड डोर्सल साइड पे, डोर्सल साइड की बिल्कुल मिडल में ये पोर, डेट्स इनको नाम भी क्या देंगे हम? डोर्सल पोर। 12 सेगमेंट से पहले ये नहीं होते, 12th सेगमेंट के बाद ये सभी सेगमेंट्स में होते हैं। तो बिहाइंड 12th सेगमेंट दे आर प्रेजेंट ऑन मिड डोर्सल साइड इन द इंटर सेगमेंटल ग्रूव। ये एक टाइप के सिलोमिक पोर्स हैं जो अंदर सिलोमिक चैम्बर के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो जो सिलोमिक फ्लूइड है वो इन्हीं पोर से बाहर आएगा, वो पूरी बॉडी को लुब्रिकेट करेगा, पूरी बॉडी को मॉइस्ट रखेगा। तो डोर्सल पोर का क्या पर्पज होगा? बॉडी को मॉइस्ट रखना। किसकी हेल्प से? सिलोमिक फ्लूइड की हेल्प से। कहाँ होते हैं डोर्सल पोर? इंटर सेगमेंटल ग्रूव में, एन्यूलाई में। कौन से नंबर के बाद और कौन से नंबर के पहले? नहीं, 12th सेगमेंट से पहले नहीं होते और 12th के बाद प्रेजेंट होते हैं। मिड डोर्सल पोजीशन है, इंटर सेगमेंटल रीजन में प्रेजेंट है और किसके साथ कम्युनिकेट करते हैं? अंदर मैंने अभी बताया था, सिलोमिक चैम्बर के साथ, सिलोमिक कैविटी के साथ कम्युनिकेट करेंगे। क्या बाहर आएगा इन पोर से? सिलोमिक फ्लूइड बाहर आएगा जो बॉडी को क्या करेगा? मॉइस्ट रखेगा। बॉडी को मॉइस्ट क्यों रखा जाता है? बॉडी को मॉइस्ट रखने का क्या पर्पज है? नहीं, इनके अंदर जो रेस्पिरेशन है वो स्किन के थ्रू होती है और किसी भी रेस्पिरेटरी सरफेस को अगर गैस एक्सचेंज करना है तो उसको मॉइस्ट होना पड़ेगा। जितना मॉइस्ट सरफेस होगा उतना गैसेज एक्सचेंज के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। और दूसरा, ये स्लिपरी हो जाएगा। अगर बॉडी मॉइस्ट होगी तो स्लिपरी हो जाएगा, तो इसको जमीन पे चलना भी क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। डेट्स व्हाई बॉडी को मॉइस्ट रखने के लिए सिलोमिक फ्लूइड बाहर आएगा डोर्सल पोर की हेल्प से। कोई डाउट यहां तक? नहीं। अब बात करते हैं स्पर्मेथिकल पोर की। किसकी बात करते हैं? स्पर्मेथिकल पोर। आप नीचे वाला डायग्राम में देखो, जो ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम है उसमें सेगमेंट नंबर 5-6 के बीच जो एन्यूलाई है वहां पे 1 पेयर, इसी तरह 6 और 7 के बीच जो एन्यूलाई है वहां पे भी 1 पेयर, 7-8 के बीच और इसी तरह 8 और 9 के बीच जो एन्यूलाई है, ईच एन्यूलाई हैविंग 1 पेयर ऑफ स्पर्मेथिकल पोर, 1 पेयर ऑफ स्पर्मेथिकल पोर। तो टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर कितने हैं इनका? भी देखो, एक 5-6 के बीच में, एक 6-7 के बीच में, एक 7-8 के बीच में और एक 8-9 के बीच में। तो टोटल कितने ये रीजन हो गए? 4 रीजन हो गए और एक रीजन में मैंने 1 पेयर बताया, तो टोटल कितने हो जाएंगे? देयर आर 4 पेयर ऑफ स्पर्मेथिकल पोर। क्या बोल देंगे?
फोर पेयर ऑफ स्पर्मेटिकल पोर प्रेजेंट, कहाँ पे प्रेजेंट है? वेंट्रोलेटरल साइड ऑफ इंटरसेगमेंटल ग्रूव, कौन सी साइड पे? वेंट्रोलेटरल साइड ऑफ इंटरसेगमेंटल ग्रूव, कौन कौन से नंबर वाले ग्रूव? फिफ्थ टू नाइन्थ सेगमेंट, फिफ्थ टू नाइन्थ सेगमेंट में प्रेजेंट है। ये अंदर एक पाउच के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उस पाउच को बोल देंगे स्पर्मेथिकल पाउच। बात समझ आ रही है? पोर तो बाहर ओपन करके, पोर अंदर किसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं? एक पाउच के साथ, और उस पाउच को क्या नाम दे देंगे हम? स्पर्मेथिकल पाउच। क्या काम करते होंगे पाउच? नाम से पता चल रहा है, स्पर्मेथिकल पाउच मीन्स ये स्पर्म्स को, ये मेल गैमेट्स को स्टोर करेंगे। ये मेल गैमेट को स्टोर करेंगे कब? जब इनके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी। वो हमने पहले ही बताया था, इनके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन है। दो अर्थवर्म एक दूसरे के साथ म्यूचुअल गैमेट एक्सचेंज करेंगे। एक अर्थवर्म अपने मेल गैमेट दूसरे को डोनेट कर देगा और दूसरे से मेल गैमेट रिसीव कर लेगा। जो मेल गैमेट रिसीव करेगा वो अपने पाउच के अंदर स्टोर कर लेगा, और इन्हीं पाउच को क्या नाम देंगे हम? स्पर्मेथिकल पाउच। और ये पाउच बाहर ओपन करते हैं एक पोर की हेल्प से, जिसको क्या नाम देंगे? स्पर्मेथिकल पोर्स, जो कहाँ प्रेजेंट है? मिड वेंट्रल साइड ऑफ इंटर सेगमेंटल ग्रूव नंबर फिफ्थ टू नाइन्थ सेगमेंट, वहां पे प्रेजेंट होते हैं। कोई डाउट? नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है जेनिटल पेपिले। ये लास्ट टाइप का इनका पोर आप कह सकते हो। एक्चुअली में ये पोर नहीं है, ये एक टाइप के पेपिले हैं जो ग्लैंडुलर इन नेचर है। ये प्रेजेंट है वन पेयर इन सेगमेंट नंबर 17 एंड वन पेयर इन सेगमेंट नंबर 19। ये कप लाइक डिप्रेशंस हैं जो शक्कर की तरह काम करती हैं, ताकि कोपुलेशन के टाइम, ब्रीडिंग के टाइम, दो अर्थवर्म एक दूसरे के साथ अटैच रह सके, एक दूसरे के साथ चिपक के रह सके, जुड़े रह सके। तो उसके लिए वन सॉरी टू पेयर ऑफ जेनिटल पैपिले, वन पेयर इन सेगमेंट नंबर 17 उसकी वेंट्रोलेटरल साइड पे होगा, और वन पेयर सेगमेंट नंबर 19 की वेंट्रोलेटरल साइड पे होगा, जिनको हम नाम देते हैं जेनिटल पैपिले। इनको कोपुलेटरी पैपिले भी नाम देते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया था ये किस में हेल्प करेंगे? कोपुलेशन में हेल्प करेंगे, ताकि ब्रीडिंग के टाइम, कोपुलेशन के टाइम, दो अर्थवर्म एक दूसरे के साथ चिपक के रह सके, एक दूसरे के साथ अटैच रह सके। ये जेनिटल पैपिले शक्कर की तरह काम करते हैं, इनके पास एक कप लाइक डिप्रेशन होता है। ये म्यूकस रिलीज करते हैं एक दूसरे के साथ स्टिकी रहने के लिए, और ताकि गैमीट एक्सचेंज आसानी से हो सके और कोपुलेशन सही तरीके से परफॉर्म हो सके। जहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो, आप लोग कह सकते हो। कोई स्टूडेंट? ठीक है, यहाँ तक करो, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है? आज इतना ही करते हैं। किसी हाँ जी, सिलेबस बच्चे पूरा ही करना है आपको, और अगर